नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेक्चरार की जो वैकेंसी आई हुई है और पॉलिटेक्निक टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में बात करेंगे। और ये पूरा वैकेंसी बिहार के लिए है और इंडिया के और भी स्टेट के लोग, सारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सभी के स्टेट के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। और यहाँ से पूरा हम देख लेते हैं, आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, thejobinfo.com पे जाके अप्लाई कर सकते हैं सीधे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके सीधे वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से अपना अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल्स इसमें देख लेते हैं क्या क्या है और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके बता दें कि बिहार आपके बिहार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये वैकेंसी आई है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा। और ये 2019 की वैकेंसी है और इसमें अप्लाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पे 11 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 31 मार्च तक दी हुई है। और डिटेल्स जो है इसमें बता दें कि मिनिमम इसमें एज आपको चाहिए 22 वर्ष, मिनिमम इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एज चाहिए। और इसमें टोटल जो वैकेंसी है आपकी 1676 वैकेंसी है और यहाँ पे हर वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से दिया गया है। जैसे मैकेनिकल के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं ये लेक्चरर पॉलिटेक्निक के लिए है वैकेंसी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे आपके इंग्लिश के लिए भी वैकेंसी दी हुई है, इसके बाद मैथ के लिए भी वैकेंसी दी हुई है, फिजिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, यहाँ पे सारी वैकेंसी दी हुई है। ये तो हो गई आपकी डिप्लोमा के लिए। और यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए नीचे दिया हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के लिए है तो यहाँ पे मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए दी हुई है। अब इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, देखिए जो डिप्लोमा की वैकेंसी है इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास बीटेक होना चाहिए या एमटेक आपने किया है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए और आपने गेट क्वालिफाइड किया है तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है ये सभी के लिए, यानी कि यहाँ तक डिप्लोमा की वैकेंसी है सभी के लिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक, यहाँ तक आपको गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, बीटेक एमटेक होना चाहिए, बीटेक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, गेट क्वालिफाई होना चाहिए, यदि एमटेक भी हैं गेट क्वालिफाई हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश मैथ फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए फर्स्ट क्लास, फिजिक्स आप फिजिक्स में तो फिजिक्स में मस्ट फर्स्ट क्लास चाहिए आपको, और एजुकेशन नेट आप पास हो तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स में आप फर्स्ट क्लास हो, मास्टर डिग्री और एजुकेशन नेट किए हों तो अप्लाई कर सकते हैं। मैथ के लिए भी सेम है यहाँ पे और इंग्लिश के लिए भी सेम है, यूजीसी नेट आपको आना चाहिए, होना क्वालिफाइड हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिक सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ है, इसमें आपको बीटेक और बीटेक एमटेक एंड गेट क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी के लिए। इसमें आप पोस्ट भी देख सकते हैं, सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट इसमें बांट दी गई है, आप पोस्ट देख सकते हैं इसको। और चलिए डिटेल्स इसमें आपको देखिए, इस अप्लाई करने के लिए कोई भी इसमें आपको पैसा नहीं देना है, यहाँ से आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल्स जो आपको नोटिफिकेशन देखना है और सारे नोटिफिकेशन का डिटेल्स तो यहाँ से देख सकते हैं आप क्लिक करके, और वेबसाइट यहाँ से विजिट करके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूं और आप लोग को जानकारी इस तरह का देता रहूं कि ताकि आप लोग इस तरह का फॉर्म अप्लाई करते रहें। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि जॉब आ चुकी है, फॉर्म जल्दी से भर दें,